धनबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। शनिवार को यह रैली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय से निकलकर रणधीर वर्मा चौक सिविल सर्जन कार्यालय होते हुए वापस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय पहुंची। रैली में शामिल लोगों ने बैनर व हाथों में वेक्टर जनित से संबंधित स्लोगान लिखी तख्तियां के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रैली का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सूरज सिंह ने बताया कि वेक्टर जनित से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे में जागरूकता से बचाव संभव है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्तर से लेकर जिले और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वेक्टर जनित वायरल रोग है जो एडीसी एजिप्टी नामक मच्छर के माध्यम से फैलता है। यह मच्छर घरेलू वातावरण और आसपास इकट्ठे साफ पानी में उत्पन्न होता है। डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छर और लार्वा रोधी गतिविधियां तथा त्वरित जांच और उपचार गतिविधियां किया जाना आवश्यक है। हम लोग एमडीए का रैली निकाले हैं जो 7 तारीख से बूथ डे स्टार्ट होगा, उसके बाद 8 से 12 तारीख को हम लोग हाउस टू हाउस देंगे। एमडीए जो है हर एक व्यक्ति को खाना है, ये जो हमारा चेन जो बनता है उसको हम लोग मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए दे रहे हैं कि वो चेन को तोड़ना है हम लोग को। और वो 3 टैबलेट डीसी का, 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल खिलाने वाले हैं हम लोग, और उम्र के हिसाब से अलग अलग डोजेज हैं। बस यही रैली हम लोग जागरूकता के लिए निकाले हुए हैं कि ताकि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति इस ये दवा का सेवन करें। ये रैली हमारे सीएससी सदर से निकल के हमारे सिविल सर्जन ऑफिस होकर के फिर वापस वहाँ पर जाएगी। कब तक चलेगा जागरूकता अभियान? ये जागरूकता अभियान हमारा 12 तारीख तक चलेगी। एक एक के व्यक्ति जो हमारा लक्षित जनसंख्या है 85 टोटल 88% है। हाँ बोल दीजिए। हाँ 88% मतलब हम लोग को ये कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक पे करना है। और ये हमारा प्रोग्राम जो है 12 तारीख तक चलेगा। अगर उससे भी अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं उसको। जागरूकता निकाल रहे हैं ये शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में? सारे ब्लॉक में, सारे प्रखंड में और पूरे स्टेट में हो रहे हैं ये प्रोग्राम।